मतलब तुसी इतने आते हो, तुसी कहते हो जी साढ़े पेशेंट ने बड़े माड़े काम किए, बड़ा गलत है इधर इधर ना, डॉक्टर साहब यकीन ना करियो, ये बहुत ये हर बारी धोखा दिंदा। अस तुहानू कहने कि नहीं 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 गल वो नहीं है कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ये ब्रेन कैमिकल चेंज हो जाते हैं, ब्रेन कैमिकल के चेंज होने करके इन्हों की ये जो कर रहे हैं ये उन्हों का बीमार दिमाग है, जिहड़ा हाले ट्रीटमेंट रिसीव नहीं कर रहे, एक्सैप्ट नहीं कर रहे, ये भी उन्हों का हिस्सेदार नहीं है, वो बेबस है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते। जो असं ये समझाने तो फिर फैमिली का एटीट्यूड पेशेंट्स वास्ते चेंज हो जाता है। फिर असं पेशेंट को समझाने कि तुहाडी फैमिली का कोई कसूर नहीं है, ये समथिंग टू डू विद द जेनेटिक्स है, सिचुएशन है, घर की है, बाहर की है, वातावरण है, बहुत सारे फैक्टर है, एक फैक्टर नहीं हो सकता जिदे करके साडा पेशेंट बीमार हो गया। मे बी 100 बंदिया ने वही नशा किया पर 20 विचों बीमार हुए तो साडा पेशेंट होना भी है, बिल्कुल ये चौदह कसूर नहीं है, वो जेनेटिकली भी नहीं है तो बाहर जो उन्होंने मिलया वो भी नहीं है। सो इस करके जो असं एक दूजे पैराडाइम चेंज करते हैं ना, ये सारा जो सा प्रोग्राम है पैराडाइम चेंज करने का ही है। जो अभी पैराडाइम चेंज करते हो ना तो वही बंदा जिन्होंने इंसल्ट कर रहे हो उदिया बहुत सारिया गलतियां माफ कर देंगे हो, तो फिर तुम रिस्पैक्ट से रिगार्ड कर लग पेंगे, यू कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। हूँ एक पैराडाइम शिफ्ट साडा सब तो इंपॉर्टेंट हुंदा जिंदगी च, असी सोचा हुंदा जां पेरेंट्स ने कई बार किया हुंदा कि बच्चों रिस्पोंसिबिलिटीज नहीं लैन देंगे, असी सोचते हैं कि बच्चों दी सारी रिस्पोंसिबिलिटीज असी करनी है, बच्चों को असी लाड प्यार नाल रखना तो इन्हों रिस्पोंसिबिलिटी नहीं देनी है, उदे करके की हुंदा है कि उन्होंने अंदर लो सैल्फ एसटीम आ जाती है, उन्होंने अपने आप नाल अच्छा नहीं लगता, लो सैल्फ रिस्पैक्ट आ जाती है एंड फॉल्टी सैल्फ इमेज आ जाता, अपनी बॉडी नहीं चंकी लगती, अपना फेस नहीं चंगा लगता, और जो तो शीशे देखते हैं अपने आप को पसंद नहीं करते, उन्होंने अंदर जी सोच चलती रहती है नैगेटिव सोच चलती रहती है, वो अपने आप को कितने ना कि घटिया अपाहिज समझ लग पाते, राइट। हूँ जो लो सैल्फ एसटीम होगी असी की किया कि जेडे पेरेंट्स है विद लो सैल्फ एसटीम है वह की करते ओवर कंपनसेट करने वास्ते जो उन्होंने सारिया प्रॉब्लम्स नू आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे, पेरेंट्स की सैल्फ एसटीम तो हील हो गई जी सिख सी, पर बच्चे की सैल्फ एसटीम असी स्टील कर ली, चोरी कर ली। हुण तुसी दसो कि जिहड़ा बच्चा रेज हो रहा है वो लो सैल्फ एसटीम दे विच रेज हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स ने अनकॉन्शियसली नॉट कॉन्शियसली टफ लव नहीं कर सके ते प्रॉब्लम नू सॉल्व करते रहे ते बच्चे की लो सैल्फ एसटीम डिवेलप होगी, जिहड़ी लो सैल्फ एसटीम दे नाल बच्चा अपने आप नाल खुश नहीं रहिंदा, वो फिर अल्टीमेटली जाके कोई ना कोई अडिक्टिव ट्रीटमेंट हैबिट दे विच पै जाता, मे बी फूड एडिक्शन हो जाए, मे बी कोई एडिक्शन, मे बी ऑब्सेशन, मे बी सेल्फ लुक, मतलब कोई भी। हुण तुसीं देखो कि पैराडाइम शिफ्ट की चीज़ है, हुण असीं की कहने हैं कि टफ लव करो, टफ लव का मतलब है कि उन्हों बच्चे नू अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज से अपने कॉन्सिक्वेंसिस नू फेस कर दो ताकि उसकी सैल्फ एसटीम बढ़े। जे पेरेंट्स अपनी सैल्फ एसटीम बढ़ाते रहेंगे तो बच्चे की सैल्फ एसटीम कभी नहीं बढ़े, बच्चों की पेरेंट्स की सैल्फ एसटीम बढ़ेगी नहीं, हील होएगी, सिर्फ जो दुख मिलता ना वो सुख हो जाएगा कि मैं देखो बच्चों कि जोर ला रहा, मैं दिन रात बच्चों पाल रहा, पर ये नहीं हो रहा, मतलब दैट इज इन पैराडाइम शिफ्ट। हम देखो टफ लव कि जरूरी चीज है।